फ्री फायर में टॉप 5 ऐसे उपकरण हैं जिसकी वजह से अपने कैरेक्टर की वैल्यू खत्म हो जाती है। और टॉप 5 कैरेक्टर भी मैंने चुना है कि भाई वो कौन कैरेक्टर हैं जिनका उपकरण की वजह से उनकी एबिलिटी को यूजलेस बना दिया जाता है। इस शॉर्ट को देखने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर। टॉप 5 आता है जैक कैरेक्टर और स्टीवी कैरेक्टर। अगर जैक कैरेक्टर के पास अगर एबिलिटी लेके आप खेलते हो, एक्स्ट्रा एमओ आप बहुत भर भर के रखे हो, तब ये एबिलिटी उतना काम की नहीं होती। हालांकि एनमी को डाउन करके मैगजीन के द्वारा वो एमओ तो दे देता है यार, एमओ और साथ में शॉटगन के अंदर इतना फायदेमंद साबित नहीं। स्टीवी कैरेक्टर को चाहिए यार सबसे ज्यादा सीएस रैंक में फायदा, लेकिन सीएस रैंक में यह 3 ही ग्रेनेड मिल रहा है जिसकी वजह से स्टीवी कैरेक्टर की एबिलिटी कोई भी यूज करना पसंद नहीं। हालांकि अवेकन अलवारो के द्वारा 1 ग्रेनेड से 3 ग्रेनेड बनाया जा सकता, बट फिर भी यार 3 ग्रेनेड कर दो तो ज्यादा फायदेमंद। इस तरह से स्टीव कैरेक्टर की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है। नंबर 4 पर किलू कैरेक्टर आता है जिसका भाई तुम्हें पता ही है स्कैनर ऐसे ही गेम में मिल जाता है स्कैनर, तो इसका भी एबिलिटी उतना काम का नहीं। हालांकि ये सीएस रैंक में फायदा कर सकता है और वैसे भी इसकी एबिलिटी को शायद से ज्यादा यूज में लेंगे क्योंकि अब आप सीएस रैंक पे ड्यू एबिलिटी लगाकर खेल सकते हो, यानी कि एक फायदा पे दो तीर, मतलब क्या ही। नंबर 3 पर आता है स्कैलर कैरेक्टर जिसकी एबिलिटी तो बहुत ही खास है, लेकिन यार अभी तो OV40 में इसका जो रेडिएशन है 4 मीटर के आसपास हो चुका है, मतलब बड़ा हो गया है। ग्लूवॉल को काफी तेजी से मेल्ट कर देता है, लेकिन अब ग्लू मेल्ट के वजह से अब हर एक प्लेयर यही सोचता है क्या स्कैलर कैरेक्टर को लेकर खेलना सही रहता है, बट ज्यादातर बंदे स्कैलर को फिर लेना ही पसंद नहीं करते। ग्लू मेटर आसपास में क्या यार सीएस रैंक में साथ में बरमूडा में भी अवेलेबल, जहां तक मुझे पता है ये ड्रॉप्स में मिल जाते हैं, वो भी बहुत आसानी से और यहां वहां पड़ा भी। नंबर 2 पर सेंटेनियो कैरेक्टर आता है, लेकिन मैं क्या ही बोलूं, हालांकि ये टेलीपोर्ट वाला सिस्टम तो इसके पास बहुत ही खास चीज है, लेकिन एक मैप है जिसका नाम है काला, जहां पर यार हुक गन मिलता है, उस गन से स्पाइडरमैन की तरह जाले फेंक फेंक के ऊपर नीचे जा सकते हो। और सेंटेनियो कैरेक्टर का भी कुछ इसी प्रकार का काम है कि आप ऊंची जगह पर चढ़ जाओ और वहां से तितले को वहीं पर टेलीपोर्ट करके नीचे आ जाओ कूद के और गन उन लो, सीधा लूटो और मारो। वो मैप में इतना वर्क नहीं करता है, हालांकि पूरी तरीके से सेंटेनियो कैरेक्टर की एबिलिटी इतना यूजलेस मैप में नहीं बनता है, बट है फिर भी यार कालाहारी मैप के अंदर। पता नहीं कितने बंदे मुझे कहेंगे भाई तू नूब है, इस चीज को यार तेरे को कहना ही नहीं चाहिए, बट मैंने कुछ सोच समझ के ही कहा, एक बार आप भी सोच के देखो आखिर मैंने क्यों कहा। वन द लास्ट जो आता है अपना कैरेक्टर वो है डिमिट्री कैरेक्टर, तुम भी समझ गए होगे कि OV40 के बाद अब ये अगर बंदा डाउन हो जाता नहीं, यानी ये कैरेक्टर ही डाउन हो जाता है कोई एनिमी इसको मारता, तो ये डाउन होने के बावजूद भी अपनी एबिलिटी को यूज कर सकता है जबकि ऐसा नहीं था, और साथ में इसकी एबिलिटी जब ये यूज करता है तो अपने फ्रेंड्स को भी ऑटोमेटिक सेल्फ रिवाइव दे सकता है। बट यार हॉरी जलाई नाम का तो आपने उपकरण जरूर सुना हुआ, इसके माध्यम से भी आप रिवाइव हो सकते हो काफी तेजी, सिर्फ आप यानी कि आपके पास होगा तो। लेकिन फिर भी डिमेट्री यहाँ पर खेल तो जाता है, लेकिन कहीं ना जो कहीं सिंगल प्लेयर खेलता है उसको कहीं ना कहीं इस पे बहुत ही खराब दृश्य देखने को मिलता है, यानी कि वो वही सोचता है कि यार होली जलाइन से मैं रिवाइव हो जाता हूँ तो फिर मुझे इस कैरेक्टर की सेल्फ रिवाइव की क्या जरूरत है, वैसे तो उतना जरूरत नहीं पड़ती, एक दो गेम में मिल भी जाता है, फिर भी ये फीका पड़ जाता है। तो ठीक है यार, तो ये है कुछ ऐसे उपकरण जिसके वजह से कैरेक्टर की वैल्यू खत्म हो जाती है।